brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. Superhuman. गठबंधन अखिलेश को नहीं देख रहे, हम राहुल को देख रहे हैं सेंटर में, वो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, हम उसे उसे देख रहे हैं, अखिलेश को नहीं देख रहे हैं। बहुत अच्छे वोटर जीत रही है, हम एक तरफा जा रहे हैं यहाँ के लोग, इंशाल्लाह गठबंधन जीतेगा। गठबंधन क्या करेगा? गठबंधन जीतेगा। जब डाक साहब होते हैं डाक साहब जीते हैं, समाजवादी पार्टी का किला है इसमें, हमेशा समाजवादी जीती है। कांग्रेस के अजुद्दीन जीते थे, ईमानदारी से गठबंधन जीतेगा और 1,00,000 वोटरों से जीत गया गठबंधन। और बेईमानी करते हैं तो बीजेपी निकलती, गठबंधन ना होता तो बीजेपी नहीं जीतती, कांग्रेस ही जीतती। इकली अखिलेश यादव के साथ सौदा हो चुका है, इसलिए पूरा काम छत्तीसगढ़ बीजेपी की सीट निकलेगी, बीजेपी की सीट निकलेगी भाई। बटन कोई से भी दबाओ वोट बीजेपी को जाना है, बटन कोई से भी दबाओ बटन वोट बीजेपी को जाना है। ये मुरादाबाद है, जी हाँ, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी इसे अपना गढ़ मानती रही है। लेकिन आखिर क्या हुआ, क्या सचमुच समाजवादी पार्टी को यहाँ किसी की नजर लग गई, क्योंकि इस गढ़ में इस वक्त कलह मचा हुआ है। रुचिवीरा और एसटी हसन दोनों आमने सामने हैं। आज यहाँ पर आप जो तादाद देख रहे हैं, दरअसल ये अलविदा की नमाज है और उसके बाद लोग निकले हैं। हम कई लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप ही से पूछता हूँ, क्या है यहाँ का चुनावी माहौल? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आजम खान का कैंडिडेट है, अखिलेश यादव का कैंडिडेट नहीं है, इस तरह की बात। ये तो मालूम ही नहीं था, इसका बारे में नहीं मालूम। क्या कैसा है? बीजेपी की सीट निकलेगी, बीजेपी की सीट निकलेगी, बीजेपी से निकले जी, बिल्कुल निकलेगी। ये आपस में इन्होंने घपला करा दिया समाजवादी पार्टियों ने, बीजेपी की सीट क्लियर है, ये बट जाएगा मुस्लिम वोट ना बनेगी गठबंधन सरकार, बीजेपी की सरकार है। क्या कह रहे? ईमानदारी से गठबंधन जीतेगा और 1,00,000 वोटरों से जीत गया गठबंधन, और बेईमानी करते हैं तो बीजेपी निकलती है। हाँ, वजह से बीजेपी जीतेगा, ये सब गठबंधन जो है ऐसी है, बीजेपी को ही निकालने के लिए है ये। गठबंधन ना होता तो बीजेपी नहीं जीतती, कांग्रेस ही जीतती। इकली अखिलेश यादव के साथ सौदा हो चुका है, इसलिए पूरा काम छत्तीसगढ़। एक्सचेंज आपका टिकट काटा गया है, पूरा मौजूदा विधायक का बिजनौर में ही टिकट काट दिया गया है, इसलिए बेकार है, फालतू की बात। अभी कहना चाह रहे वो है, इससे बढ़िया मेन बीजेपी ही जीतेगी। डायरेक्ट वोट बीजेपी को ही दें, आप लोग अपना वोट खराब ना करें, डायरेक्ट अपना वोट बीजेपी को दें। कई बात जाना है आपका वोट, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट दो भैया? कांग्रेस सिंगल जीती हुई थी, दिख रहा था कांग्रेस जीत रही है, समाजवादी का नाम निपट चुका है, काम निपट चुका है समाजवादी का, बिल्कुल अब समाजवादी बिल्कुल किसी काम भाई। बटन कोई से भी दबाओ वोट बीजेपी को जाना है, बटन कोई से भी दबाओ बटन वोट बीजेपी को जाना है। जेल में डाल दिया गया अखिलेश यादव, कुछ नहीं बोल रहा है। आजम खान ने अपना कैंडिडेट कार्ड तो दिया ना, कैंडिडेट कार्ड दिया ना, 6,00,000-7,00,000 मुस्लिम आबादी में एक हिंदू कैंडिडेट लाके खड़ा कर दिया ना। गठबंधन अखिलेश को नहीं देख रहे, हम राहुल को देख रहे हैं सेंटर में, वो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, हम उसे देख रहे हैं, अखिलेश को नहीं देख रहे, हम उसे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपस में जो अखिलेश यादव और इनकी बीच की जो लड़ाई हुई, उसका नुकसान होगा या एक तरफा वोट चला जाएगा? अखिलेश यादव गठबंधन को लड़ाया जाएगा, सबकी अपनी अपनी राय है, ये इनकी अपनी राय है। आपकी राय? हमारी राय गठबंधन की है, कुछ सोच समझ के ही टिकट फाइनल किया गया। हम तो यहाँ पर बातें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आला कमान सारी कैलकुलेट कर रहा, हर चीज को देखते हुए टिकट जो है फाइनल किया गया। तो एसटी हसन का फिर कोई मतलब नहीं, उनके विरोध का कोई मतलब नहीं? ना, मुख्तसर से लोग हैं, वो अपने कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये तो हर दौर में चलते रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। जेब को गर्म करने वाले लोग हैं, जो शक फैलाते हैं वो लोग हैं। हाजी नासिर कुरैशी साहब का भी तो टिकट काट के एसटी हसन साहब को ही दिया गया था, उस टाइम तो कोई विरोध नहीं किया गया हाजी नासिर साहब ने। अब किसी वजूहत की वजह से अगर टिकट काट दिया एसटी हसन साहब का, तो आला कमान जाने, वोट को लेकर कोई नहीं है, वो मुख्तसर से लोग हैं, अगर वो कर रहे हैं तो उनकी अपनी राय है। थोड़ी नाराजगी उनकी आपस की है तो वो निबट जाएगी, अगर वो चल गए इस तरीके से आपस की तो पूरा भारी भरकम नुकसान होगा इस टाइम। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये तो आपकी सोच है ना, लेकिन नहीं, ये तो बात करें, ये तो आपकी सोच है ना कि अगर ऐसा हुआ तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है?
वो इंशाल्लाह सब एक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक हो जाएंगे, एसटी हसन भी आ जाएंगे, डॉक्टर साहब भी, सब चुनाव लड़ावेंगे गठबंधन को। अच्छा मेरी एक 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 सवाल, हमारी बहुत अच्छे वोटर जीत रही, हम एक तरफा जा रहे हैं यहाँ के लोग, इंशाल्लाह जीतेगा गठबंधन। क्या गठबंधन जीतेगा? जब डाक साहब होते डाक साहब जीते, समाजवादी पार्टी का किला है इसमें, हमेशा समाजवादी जीती है। कांग्रेस के अजुद्दीन जीते थे 9 में, उसके बाद फिर समाज बीजेपी आई, फिर समाजवादी आ गई, फिर अब ये रुचि वीरा जो है ये जीतने जा रही है। गठबंधन कम से कम 2 लाख वोट मिली। अच्छा मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से, ये सिर्फ मुरादाबाद को लेकर के नहीं है, इस वक्त अगर इस वक्त जो मुसलमानों का जो मन मिजाज है, मूड है, वो क्या है, किसकी तरफ वो वोट करना चाहता है देश भर में? गठबंधन बहुत भारी वोटों से कैंडिडेट होता था, उसे भी जिताती मुरादाबाद की आवाम, जो भी कैंडिडेट गठबंधन का को देगी, जो भी जो नाराज है, तो राहुल गांधी ने उसे पूरा कर दिया, सफा कर दिया राहुल गठबंधन करके, गठबंधन करके राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन जो बनाया है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे देश के अंदर, इंडिया गठबंधन है। अब कोई ये राष्ट्रीय नेता ऐसा तो है नहीं मामला जो किसी को भी लाके खड़ा कर दे। ये कोई जो बोल रहे हैं आप लोग, सब लोग इनसे ही सहमत हैं या और भी किसी कोई राय है? थोड़ी नाराजगी जो जो लोग हैं वो पूरे हो जाएंगे, वो हर दौर में रहते हैं, उसको कोई एक तरफा बोलिंग साइकिल का एक तरफा ये समाजवादी का किला है, इसमें 5 विधायक जीते हुए 5। चलिए तो यहाँ पर राहुल गांधी जी का कैंडिडेट होता तो वो भी कई लाख वोटों से जीतता, मगर ये समाजवादी पार्टी का आप लोग राहुल कांग्रेस के आपके लिए फेवरेट है या अकेले? दोनों दो युवाओं की जोड़ी एक हो गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें, अल्लाह ने चाहा 70 जीतेंगे, 70 जीतेगा। क्या आप क्या कहते हैं, कोई है समाजवादी की गठबंधन है, अब की बार राहुल गांधी जिंदाबाद, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, सब एक तरफा ऑप्शन, डू एंड डाई, कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं। तो नमाज पर पढ़कर निकल रहे, जब मुस्लिम लोगों से मैंने बात की तो ये इस मुरादाबाद में एक तरफा बातें लगभग दिखाई दे रही हैं, और वो ये कि सिर्फ मुरादाबाद की बात नहीं, पूरे प्रदेश में गठबंधन और राहुल गांधी के लिए खास तौर पर यहाँ के लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है।